वेतन को लेकर फिल्म स्टूडियो के कर्मचारियों ने की हड़ताल। यूनियन के चार लोगों पर पुलिस स्टेशन में किया मामला दर्ज। मुंबई में फिल्मी सितारों की चकाचौंध रोशनी है। फिल्म हो या टीवी धारावाहिक, दोनों के ही कलाकारों को शूटिंग के लोकेशन के आधार पर यहां वहां जाना पड़ता है। उसमें मात्र कलाकार ही शामिल नहीं होते, बल्कि कलाकारों के साथ अन्य कर्मचारी, लाइटमैन, वार्ड बॉय आदि लोग भी शामिल होते हैं, जिनका मेहनताना रोजाना एवं इंडोर कुछ और आउटडोर कुछ और होता है। ऐसे में वसई तालुका के नायगांव क्षेत्र में बने रामदेव स्टूडियो के कर्मचारियों ने वेतन को लेकर हड़ताल कर दी। क्या हुआ, क्यों आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं? हम लोगों को 30 साल से 1.5 मिल रहा था, कन्वेंस भी बढ़ा के मिलता था खाने का पैसा। तो अभी हम लोगों का 1.5 नहीं मिल रहा है, एक शिफ्ट का एक ही शिफ्ट मिल रहा है, और कन्वेंस भी कमी हो गई है, खाना भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग मिलकर बंद कर दिए काम। ये कब से हुआ आपके साथ ऐसा? ये 20 तारीख से। 22 तारीख। इससे पहले ये चीजें, ये सुविधाएं मिल रही थी, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि जो ये सारी चीजें आपको बंद कर दी गई? अभी वही ऑपरेशन कोई आके जवाब दे उसका कि क्यों ऑपरेशन और प्रोडक्शन वाले मिलके अपने पैसा बचने के लिए ये लोग किए हैं ऐसा काम। एक का मतलब एक का एक दे रहे हैं, 1.5 नहीं दे रहे हैं। सुबह कितने बजे काम करते हैं? सुबह 9 बजे हम लोग काम पे आते हैं। और कितने बजे जाते हैं आप लोग? शाम को 6 बजे। क्या क्या नियम है आपको पेमेंट देने का, उनका क्या नहीं? क्योंकि आप लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज के रोज मजदूरी करते हैं और रोज का पेमेंट मिलता है। सुबह आते हैं हम लोग, आ जाते हैं 8:30 बजे। 8:30 बजे 9 बजे काम चालू होता है जी। उसके बाद शाम को कितने बजे जाते? शाम को 6 बजे काम बंद होता है, 6:15 बजे हम लोग निकल जाते हैं। 1.5 क्या होता है? क्या सर, चेक नाके के बाद 1.5 मिलता है जी। तो ये बात आप लोगों की पहले हुई थी? हाँ, सब यूनियन 2200 यूनियन फेडरेशन मिल के जी ये लिखित मतलब की थी कि दहीसर चेक नाके के बाद जो काम चलेगा वो 1.5 मिलेगा। डेढ़ शिफ्ट मिलेगा, एक चलेगा तो 1.5 मिलेगा, 1.5 चलेगा 2 शिफ्ट मिलेगा। अभी ये लोग प्रोडक्शन वाले फेडरेशन वाले मिल के आधा शिफ्ट खत्म कर रहे हैं और कन्वेंस भी कम कर रहे हैं। ये कब से ऐसा हो रहा है? ये 22 तारीख से 1.1 मिल रहा है। किस कंपनी ने ऐसा किया, उसका नाम क्या है? ये स्पेयर विजन, क्या नाम है? स्पेयर विजन प्रोडक्शन है। तो आप लोगों ने उससे मिलके बात करने की कोशिश की? हाँ, उससे मिलके बात करने की कोशिश की, तो वो लोग सुबह पुलिस बुला लिए प्रोडक्शन वाले जी। काम भी नहीं चालू होने दिए, मतलब फेडरेशन भी लिख के दिया है कि पुलिस बुला लो, काम बंद करा दो। जितना पूरा ऑल इंडिया में 1.1 मिलना चाहिए, आधा शिफ्ट हर जगह खत्म हो रहा है। तो आपको 1.5 जो आपका हक है वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों ने? हाँ, इसके लिए काम बंद किया। हाँ, इसके लिए काम बंद किए। साथ ही स्पेयर विजन प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने फेडरेशन के साथ मिलकर यूनियन के चार लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया। क्या हुआ सर, आज क्या मामला था कि आप लोगों को वाले पुलिस स्टेशन आना पड़ा? इसलिए कि हम लोग वर्कर का मामला ये था कि वर्कर जो है करीब 2 महीने से वहाँ लगातार काम कर रहे हैं, कराने के बाद जो मुंबई लिमिट के बाहर एक शिफ्ट काम करते थे, हाफ शिफ्ट एक्स्ट्रा मिलता था, जो आज 30 सालों से परंपरा चली आ रही थी, जो हमारा MOU प्रोड्यूसर के साथ बना हुआ है, 1.5 देने की उनकी शुरू से ही चल रहा था। जो कि अब इन्होंने 21 तारीख के बाद से 22 तारीख से इन्होंने वो हाफ शिफ्ट बंद कर दिया। एक फेडरेशन के कहने पे, फेडरेशन में ऐसे दलाल लोग बैठे हैं जो हमारे वर्करों का शोषण कर रहे हैं जी। तो जब हमारे वर्करों को पता चला तो हमारे वर्करों ने अपनी यूनियन में खबर किया, तो हम वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते हम यहाँ पर आए। वर्करों की जब बातें कल सुने तो हमें लगा कि वर्करों के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जब हम लड़ने के लिए तैयार हुए तो वर्कर हमारा साथ दिया, हमारे साथ वर्कर खड़े रह गए, और हम 1.5 की मांग जो हमारी चालू थी, हम कहे कि भाई वही चीज़ आप लागू करो, लेकिन प्रोडक्शन वाले के कान पे जू नहीं रहूँगी। प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या है सर? प्रोडक्शन कंपनी का नाम है आशुतोष गौरीकर और स्पेयर ओरिजिन करके जी, दो कंपनी है। उस कंपनी की तरफ से भी अभी यहाँ पे लोग आए थे? कंपनी की तरफ से यहाँ पर आए थे अभी कुछ आशुतोष गौरीकर के कुछ प्रोडक्शन मैनेजर लोग आए थे जी। वो हमारे ऊपर उल्टा ही इल्जाम लगा रहे थे कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आकर ये कर दिए वो कर दिए, दुनिया भर के हमारे पे इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हमको यहाँ पे 149 की नोटिस देके हमें छोड़ दिया गया। हमें कहा गया कि आप कभी भी वर्कर के लिए जो भी लड़ना होगा आप प्रिंसेस के अंदर नहीं जाएंगे, आप बाहर ही खड़े होंगे। मीडिया के कुछ पूछने पर प्रोडक्शन हाउस के लोग गाड़ी लेकर बिना बोले आगे निकल गए। अगर उनकी कोई गलती नहीं है और वे मजदूरों के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, तो मीडिया से बात करने में आखिर क्यों कतराते हैं?